गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू ऑल? आई एम फाइन। आई एम फाइन मैम। व्हाट अबाउट यू? बेटा आई एम आल्सो फाइन। तो लास्ट डे आप सभी रीडिंग कर रहे थे। यस मैम। जो भी आपने रीड किया आपको अच्छे से माइंड में आ गया है? समझ गए हैं सभी? yes. आप बेटा राजपाल? यस मैम। यशवर्धन यू? यशवर्धन, संजीव, ब्रिजेश, आप सभी वीडियो ऑन कीजिए। यस ब्रिजेश, आपकी समझ में जो भी आपने टॉपिक रीड किया आपकी समझ में आया है? यस बेटा। संजीव यू? मैम यस। यस बेटा। तो लास्ट डे अनुष्का राइट कर रही थी डायमंड इन द आफ्टरनून। यस बेटा, आपने यही फाइनल किया था? यस मैम। यस बेटा, ओके। तो यशवर्धन? मैम एक्सक्यूज मी। यस बेटा। मैम मैंने यहाँ तक किया था पर मैम अंजित और आगे पढ़े थे। यस बेटा, आपने बस यहीं पर आपने स्टॉप किया था आफ्टरनून सन। ओके यस। ऑल डे लॉन्ग तक। यस बेटा। लूशा, देखिए लूशा एंड स्मॉल डायरी, यहां से आपको रीड करना है। ओके यस मैम। यस बेटा। Yes, ma'am. जो भी रीड करेंगे स्लोली होगा और बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो संजीव, संजीव एंड यशवर्धन अपना वीडियो ऑन कीजिए। राजपाल बेटा स्टार्ट कीजिए आप। लूशा हैड अ स्मॉल डायरी। लूशा हैड अ स्मॉल डायरी। सम टाइम्स सी वुड सिट इन द कॉर्नर बाय हरसेल्फ एंड नोट डाउन द हर थ्रॉट इन इट। सी लाइक टू मेक। बेटा लिसन, ये थ्रॉट है। थ्रॉट राइट रीड करना है, बिल्कुल करेक्ट। थॉट्स, थॉट्स इन इट। ही लाइक्ड टू मेक अप अ स्टोरीज ऑफ हर ओन एंड राइट पोएम्स टू। स्टॉप। लूशा हैड अ स्मॉल डायरी। स्मॉल मीन्स राजपाल, छोटे या छोटा छोटी। तो लूसा हैड अ स्मॉल डायरी। लूसा के पास एक छोटी सी डायरी थी। डायरी में कौन सा वर्क करते हैं? कौन सा वर्क डायरी में किया जाता है? यश अनुष्का, राइटिंग। राइटिंग क्या राइट करेंगे उसमें? वन पेज राइटिंग नोट्स मैम। स्टोरी मैम, स्टोरीज, पोएम्स, थॉट्स। वेरी गुड बेटा, जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो सभी डायरी में नोट किए जाते हैं। डायरी मीन्स होता है हमें रिमेम्बर रखने वाली सारी चीजें आप उसमें राइट कर सकते हैं। सारी चीजें, स्टोरी हो, थॉट्स हो,
या फिर कोई पोयम्स हो या फिर कोई इवेंट हो, कोई आपके साथ इवेंट कोई घटना घटी हो या कुछ ऐसा हुआ हो, अच्छी बातें हो, किसी का बर्थडे हो, वो सारी चीजें हम डायरी में राइट करते हैं। ओके यस बेटा, तो लूसा हैड ए स्मॉल डायरी, लूसा के पास एक छोटी सी क्या थी, डायरी थी। समटाइम्स कभी कभी सी वुड सिट इन द कॉर्नर बाई हरसेल्फ। हरसेल्फ का यूज यहां किया गया है, तो सी मीन्स वह वुड सिट इन द इन अ कॉर्नर बाई हरसेल्फ। यस बेटा, वो कॉर्नर में, कॉर्नर मीन्स किनारा, किनारा कोने में। वेरी गुड, करेक्ट। तो वो कोने में किनारे पर बैठ जाती थी हर सेल्फ स्वयं, उसे कोई एडवाइस नहीं देता था आप वहां चले जाइए या कोई ऑर्डर नहीं देता था, वो सेल्फी जब उसका मन करता था वो साइड में बैठ जाती थी और फिर वो क्या करती थी, एंड नोट डाउन, और नोट करती थी हर थॉट्स। थॉट्स मीन्स ब्रजेश बेटा, थॉट मीन्स विचार, विचार। वेरी गुड, तो हर थॉट्स वो अपने आइडियाज अपने विचार को वो क्या करती थी, नोट डाउन इन इट, इस पर वो राइट करती थी, लिखती थी। सी लाइक्ड, लाइक मीन्स पसंद करना, पसंद करना, पसंद। यस, तो सी लाइक्ड, वो पसंद करती थी, क्या पसंद करती थी, टू मेक अप स्टोरी। मेक मीन्स बनाना, बनाना। यस बेटा, बनाना। तो सी लाइक्ड, वो पसंद करती थी टू मेक अप स्टोरीज, कहानियों को बनाना, कहानी को क्रिएट करना, ऑन हर ऑन, खुद ही उसे खुद कहानियां बनाना पसंद था, अच्छा लगता था। एंड राइट पोएम्स टू, और उसे क्या पसंद था, और क्या अच्छा लगता था, राइट पोएम्स, कविता लिखना। बेटा कविता लिखना क्या होता है, भी, भी। वेरी गुड, भी। नेक्स्ट शिवान्या, यू रीड, शिवान्या रीड कीजिए आप। द गर्ल्स वुड, गर्ल्स वुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेक देयर बेड्स एंड सिट डाउन टू स्टडी, व्हेन दे हैड फिनिश्ड देयर लेसंस दे वुड हेल्प देयर मदर set the table for breakfast. After that, they would go to the big barn to play. Their favorite game was pretend play. Yes. So, the girl would wake up early in the morning. अब लड़कियां क्या करती थी, अर्ली इन द मॉर्निंग मीन्स, अर्ली मीन्स बेटा, अर्ली मीन्स संजीव, यू बेटा संजीव, आप नेटवर्क में नहीं है संजीव, तो अर्ली मीन्स
राजपाल यू अर्ली बेटा अर्ली मिस आपको नहीं मालूम है अर्ली मीन्स क्या होता है जल्दी अर्ली मीन्स जल्दी तो द गर्ल्स वुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग लड़कियां हैं वो सुबह जल्दी उठ जाती थी लड़कियां सुबह जल्दी उठ जाती थी मेक देयर बेड्स इसके बाद वो क्या करती थी मेक मीन्स बनाती थी देयर माने अपने बेड मीन्स बिस्तर को ब्रिजेश ब्रिजेश बेटा यस मैम बेटा मेक मीन्स बनाना आपने अभी बताया मुझे मेक मीन्स बनाना देयर मीन्स उनके यानी वो गर्ल्स ने उनके देयर यूज हुआ है वो क्या करती थी मेक देयर अपने बनाती थी बेड को बिस्तर्स को जो बेड्स थे उनके जो बिस्तर थे उन्हें क्या करती थी बनाती थी कैसे बनाएंगी मीन्स अनुष्का यू बेटा माइक अपना ऑन कीजिए अनुष्का यस मैम सही करती थी मेक देयर बेड देखिए क्या हुआ कि जब सुबह हम लोग रात में आप लोग नाइट में जब सोते हैं स्लीपिंग करते हैं तो जो बेड शीट्स वगैरह होती हैं उनकी उनमें सिलवटें पड़ जाती हैं वो सिकुड़ जाता है कभी आपने इस पर ध्यान दिया है ऐसा होता है ना यस मैम यस बेटा तो दैट्स उन्होंने क्या किया अपने बिस्तर को सही किया एंड सिट डाउन टू स्टडी और फिर वो सिट डाउन बैठ गई टू स्टडी स्टडी मींस शिवान्या अध्ययन करना बेटा मैम अध्ययन कर बेटा आप अपना ये माइक ऑन करके ही बोला करें ऐसे आप बोलेंगे आपको सुनाई देगा मुझे नहीं अध्ययन करना यस बेटा अध्ययन करना तो सिट डाउन वो फिर बैठ जाती थी अपने बिस्तर को सही करती थी और आफ्टर दैट सिट डाउन टू स्टडी और फिर वो अध्ययन करने के लिए बैठ जाती थी व्हेन दे हैड फिनिश्ड देयर लेसन व्हेन मींस जब व्हेन मींस जब They had finished. Finish means finish. खत्म करना. समाप्त करना. तो when they had finished their lesson, जब वो अपने chapter को अपने part को finish कर लेती थी, समाप्त कर लेती थी, तो क्या होता था? They would help their mother. तो वो क्या करती थी? वो अपनी माँ की हेल्प करती थी हेल्प देयर मदर सेट मींस क्या होता है सेट लगाना सेट मींस लगाना और सेट मींस व्यवस्थित करना या फिर लगाना सही ढंग से करना तो दे वुड हेल्प देयर मदर वे अपनी माँ की हेल्प करती थी
set the table for breakfast. Breakfast means Bridges. बेटा ब्रिजेस ब्रेकफास्ट सुबह का खाना यानी जो सुबह ब्रेकफास्ट किया जाता है. खाना तो मॉर्निंग में देखिए सुबह क्या किया जाता है, हल्का फुल्का खाया जाता है, ठीक है ना. तो उसे नाश्ता बोलते, जैसे टी हो गया, ब्रेड हो गया, या फिर कोई भी एनीथिंग साल्टी चीजें हो गई या जो भी हो. तो ये सारी चीजें वो क्या करती थी, माँ की हेल्प करती थी ब्रेकफास्ट की टेबल को सेट करने के लिए. आफ्टर दैट इसके बाद क्या होता था, दे वुड गो टू द बिग बार्न टू प्ले. फिर दे वुड गो टू द बिग बार्न, वो खेलने के लिए जाती थी. कहाँ जाती थी, बिग बार्न. अब बार्न क्या है शिवान्या? बड़े से मैदान में. यस शिवान्या. मैम बड़े से खाली जगह. बड़े से खाली जगह. शिवांगी, शिवांगी वीडियो ऑन कीजिए. मैदान. वेरी गुड. अनुष्का यू. बार्न मीन्स मैदान. बार्न मीन्स मैदान. बेटा बार्न मीन्स तो मैंने आपको मैदान बताया ही नहीं था. मैम गोदाम. यस बेटा गोदाम. कैसे आप लोग भूल जाते हैं, अभी लास्ट डे ही मैंने आपको बताया है गोदाम, जहां पर भारी मात्रा में बहुत सारी अनाज वगैरह हो, बताया था ना. यस बेटा. तो आफ्टर दैट दे वुड गो टू द बिग बार्न टू प्ले. इसके बाद वो बड़े से गोदाम में खेलने के लिए चली जाती थी. आप लोगों ने गेस किया प्ले करना है तो जरूर ये फील्ड ही होगा, और मैदान बोल दिया आप लोगों ने. बट बहुत से गेम ऐसे होते हैं जो इंडोर गेम भी होते हैं, कि सारे गेम्स आउटडोर ही होते हैं. नो मैम. इंडोर गेम भी होते हैं ना. यस मैम. यस मैम. तो ये गेम कहाँ होगा, ये गोदाम में होगा. तो देयर फेवरेट गेम वॉज प्रीटेंड प्ले. प्रीटेंड क्या है, तैयार. बेटा वो प्रिपेयर होता है. प्रीटेंड मीन्स होता है बहाना, बहाना बनाने वाला खेल खेलना. तो देयर फेवरेट गेम वॉज, उनका जो पसंदीदा गेम था वो क्या था, बहानों वाला खेल था, जिसमें नाटक प्ले कर दिए जाए. जैसे एक तरह से ये मान लीजिए कि अगर आप लोग प्ले कर रहे हो तो कोई डॉक्टर बन जाए, तो वो क्या कर रहा है, वो एक रोल तो ही प्ले कर रहा है डॉक्टर में, तो वो वास्तव में रियलिटी उसकी डॉक्टर की तो नहीं हो सकती. अगर आप इस समय डॉक्टर का रोल प्ले करने लगे तो क्या आप डॉक्टर बन सकते हैं, तुरंत डॉक्टर बन जाएंगे गेम प्ले करने में? नो मैम. तो वो प्रिटेंड गेम होता है. no. जैसे चोर सिपाही वाला, कोई एक थीफ हो गया और दूसरा पुलिसमैन हो गया, तो ये कौन से गेम हो गए, ये प्रिटेंड प्ले हो गए, ये अभिनय करने वाले प्ले हैं. एक गेम्स ऐसे होते हैं जैसे खो खो हुआ, कबड्डी हो गई, रेस हो गया, इसमें प्रिटेंड वाला कोई प्रोग्राम नहीं होता, इसकी कोई जगह नहीं होती. इसमें आप सेल्फ सामने होते हैं, खुद ही मुझे ये गेम प्ले करना है, आपको किसी का रोल नहीं करना पड़ता. लेकिन प्रिटेंड प्ले क्या होता है, जो हम दूसरे की
नकल उतारते हैं, दूसरे की कॉपी कर लेते हैं, वैसा बनने की बन नहीं पाते हैं, लेकिन हम प्ले करते हैं, हम पुलिस हैं और आप थीप्स हो, आप भागो और दौड़ो, रनिंग करो, हम पीछे से आपको दौड़ा रहे हैं। हाथ में जो छोटी छोटी रिवॉल्वर होती है, जो बच्चे प्ले करते हैं गन्स वगैरह, वो ले लिया और बन गए हम पुलिसमैन। देखा है ऐसा प्ले? Yes, ma'am. तो ये प्रिटेंड प्ले होते हैं, बहाने बनाने वाले खेल, तो ये उन लोगों को ज्यादा पसंद थी। बेटा जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, आप जरूर मुझसे पूछेंगे, क्योंकि हर टॉपिक आपको क्लियरली बिल्कुल फाइनली आना चाहिए। Yes, ma'am. समझ रहे हैं सभी? Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, बेटा। After that, फिर देखते हैं क्या होता है। Bridges, you read now. Bridges. The girl loved acting more than they had made the bar into theater and invited the grown-ups to come watch and the watch the play they were in. It was great fun. One of their favorite play was Jack and the Beanstalk. Beta, stop. Stop. Bridges. Stop. देखिए, girls loved acting more than anything. Girls means लड़कियों को, loved means प्रिय या अच्छा? Yes. प्रिय था, loved प्रिय था, क्या प्रिय था? Acting. Acting means नाटक. Acting means आदत नहीं, habit means आदत. Acting लोग कहते हैं ये तो acting कर रहे हैं. Pretend play में क्या होता है? Acting ही तो करते हैं, रिएक्शन नहीं होती है। सपोज मैंने बोला आई एम अ लॉयर, तो आप सभी को पता है मैम लॉयर नहीं है, मैम इज अ टीचर। मैम जो है वो क्या है? एक टीचर है। आप लोग रियलिटी जान रहे हैं ना, लेकिन yes, मैंने प्रिटेंड किया कि मैं क्या हूं, एक लॉयर हूं। तो एक्टिंग मींस अभिनय करना, एक्टिंग मींस अभिनय करना, अभिनय करना, अभिनय करना, रोल प्ले करना। तो द गर्ल्स लव्ड एक्टिंग मोर देन एनीथिंग, लड़कियों को एक्टिंग से ज्यादा, एक्टिंग मोर देन एनीथिंग, हर चीज से ज्यादा, एनीथिंग किसी भी चीज से ज्यादा क्या पसंद था? एक्टिंग मोर, एक्टिंग ज्यादा पसंद थी हर किसी से ज्यादा, कोई भी चीज से ज्यादा। डांसिंग हो, प्लेइंग हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो, टॉकिंग हो, कुछ भी हो, इन सभी से ज्यादा इन लड़कियों को क्या पसंद था? एक्टिंग करना पसंद था, अभिनय करना, रोल करना। समझ रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, बेटा। तो they had made the bar into a theater. अब इन्होंने क्या बनाया? They had made a bar. एक गोदाम को इन्होंने into a theater, एक थिएटर में बदल दिया। गोदाम बड़ा सा होता है ना, उसमें हॉल, हॉल को देख लीजिए, आपके स्कूल yes, में हॉल आपने देखा है, देखा है ना सभी ने? Yes, ma'am. तो ऐसा ही गोदाम होता है,
और जो आप स्टेज आपने देखा होगा जहां पर आप लोग जो इंडियन फेस्टिवल होते हैं वहां आप लोग रोल प्ले करते हैं, याद है किसी को या भूल गए स्कूल? तो वैसा ही इन्होंने क्या किया कि एक बार्न में, गोदाम में एक थिएटर जैसा बना दिया, एक स्टेज बना दिया। थिएटर क्या होता है? जहां पर रंगमंच जिसे बोलते हैं, जहां पर अभिनय किया जाता है। मंच मींस स्टेज। ओके यस मैम। तो क्या किया इन्होंने, दे हैड मेड ए बार्न, मेड द बार्न इनटू द थिएटर। उन्होंने बार्न को, गोदाम को थिएटर में बदल दिया, थिएटर जैसा बना दिया। मिस थोड़ी सी जगह को ऊंचा कर दिया और वहां बोला, कह दिया ये रंगमंच जैसा हो गया और इधर चेयर्स वगैरह डाल दी, यहां पर लोग आकर के बैठेंगे। जैसा आपके 26 जनवरी को होता भी है, देखते भी होंगे आप लोग स्कूल्स में, आपने देखा होगा। yes, बिल्कुल ऐसे ही। तो दे इनवाइटेड द ग्रोन अप। अब इन्होंने जो ग्रोन अप थे, जो अपने से बड़े लोग थे, इनको इनवाइट किया। इनवाइट मींस राजपाल, इनवाइट मींस आमंत्रित, आमंत्रित करना। तो क्या किया कि जो बड़े लोग थे, इन फोर गर्ल्स से तो एक्टिंग करने जा रही थी। यस मैम। तो इन गर्ल्स ने क्या किया, जो फैमिली मेंबर्स थे या इनके नवर थे या कोई भी था, तो इन लोगों ने क्या किया, अपने से बड़े लोगों को क्या क्या इनवाइट किया, टू सी वॉच, देखने के लिए द प्ले, ड्रामा, यानी जो नाटक होने वाला था, ड्रामा, दे एक्ट इन, और जो वो एक्टिंग करने वाली थी, उन्होंने क्या किया, अपने से बड़े लोगों को उन्होंने इनवाइट किया, क्या आओ, और आने के लिए इनवाइट किया, किसके लिए, आने के लिए, और वॉच द प्लेज, और नाटकों को, ड्रामों, जो ड्रामा थे, उन नाटकों को देखने के लिए बुलाया उन्होंने अपने से बड़े लोगों को। दे क्रिएटेड, जो क्रिएट किए गए थे, अभिनय कर रहे थे जो लोग, जो क्रिएट करना था, जो रचना करनी थी, जो बनाया गया था नाटक, उसको देखने के लिए। जैसे जो लूशा थी, वो उसे क्या पसंद था, नाटक को, ड्रामा को या स्टोरी को राइट करना, यही था ना। तो ये जो प्ले था, इसको देखने के लिए इन लोगों ने अपने से बड़े लोगों को बुलाया कि सारे बड़े लोग आकर के इस प्ले को देखें। इट वॉज ग्रेट फन, और ये बहुत ही, ग्रेट मीन्स बड़ा या महान, बड़ा, फन मीन्स, फन मीन्स मजाक, मजाक किया, मतलब मीन्स आनंद वाला था। इट वॉज ग्रेट फन, ये आनंददायक था, मजाक वाला था, हंसी होने वाला था, लोग इंटरेस्टेड होने वाले थे। yes, ma'am. Means जो प्ले था वो बहुत ही अच्छा था, फनफुल था, मजाकिया भी था। तो यस बेटा अनुष्का, अनुष्का बेटा, हमें लग रहा है कि आज आपको सोने की इच्छा ज्यादा हो रही है, मुझे ऐसे आपकी आईज को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको, आपकी आंखें भारी भारी लग रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोने वाली हैं। लेकिन देखिएगा, ओनली 6 or 7 मिनट्स और हैं, स्लीपिंग नहीं करिएगा। मैं नहीं सोती। यस बेटा, वंस वंस वन ऑफ देयर, one of their favorite plays was Jack and the Beanstalk. They had a ladder that went from the floor to the loft. On a ladder,
They tied a squash vine all the way up to the loft to look like the wonderful beanstalk. One of the little girls dressed up to look like Jack. When it came to the part in the story where the giant tried to follow Jack, the little girl cut down the beanstalk and the giant came tumbling down from the loft. The giant was made out of huge pillows. Another story Stop. That they love. Stop. देखिए आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है. स्क्रीन नहीं दिख रही है मैम, ब्लैक ब्लैक दिख रही है. बेटा ऐसा कैसे हो सकता है मैम, स्क्रीन दिख रही है. दिख रही है मेरे पास तो, अभी मैंने स्टॉप बंद नहीं किया. नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है बेटा आपके पास. तो वन ऑफ देयर फेवरेट प्ले, उनके जो नाटक थे, जो ड्रामा थे, उनमें क्या था, उनका एक फेवरेट गेम था जैक एंड बीनस्टॉक. जैक और सेन की लता, सेन की बेल, ये उस गेम का नाम था. दे हैड अ लैडर, उनके पास क्या थी, एक सीढ़ी थी. सीढ़ी जानते हैं, लकड़ी वाली सीढ़ी जो होती है. Yes, ma'am. तो उनके पास एक सीढ़ी थी that went from the floor to the loft. Loft means होता है अटारी. अटारी जानते हैं क्या होता है. बेटा आप लोग अटारी जानते हैं क्या है. सभी ने सेप्स देखे हैं, कपबोर्ड मिस अलमारी जो आपके घरों में बनी होती है. yes, सभी ने देखा है ना. तो ये yes, ये अटारी तो नहीं है, अटारी नहीं है ये, लेकिन जो टाड़ होते हैं ऊपर ब्रिजेश के रूम में है ऐसा कुछ. बेटा ब्रिजेश आप देखने लगे क्या, वीडियो ऑन कीजिए. यस, तो अटारी क्या होती है, जो आपका रूफ है, जो रूम है उसके ऊपर जो रूफ बना हुआ है उसमें छोटा सा रूम जैसा बना होना, जिसे कुछ लोग दो छत्ती भी बोलते हैं. सुना है. नो मैम. कुछ लोग क्या करते हैं, स्टोर रूम जैसा बना देते हैं, जो किचन्स होते हैं और भी कुछ होता है उसके अपसाइड और रूफ से थोड़ा सा नीचे, मींस जो किचन्स की रूफ होती है वो, और जो आपके पूरे होम की होती है रूफ, उसके बीच में गैप होता है और छोटा सा दरवाजा लगा करके, डोर लगा करके, उसे हम अटारिका बोल देते हैं कि अटारी है. Yes, ma'am. जो कपबोर्ड हो या आपकी टांड वगैरह हो उनमें आपका मिरर या फिर कोई वो लगा दिया जाए, डोर वगैरह उस टाइप से. तो ऐसा था लॉफ्ट, वो चीजें. तो बेटा टाइम ओवर हो रहा है, बस आज के लिए इतना ही. ओके, सभी राइटिंग करते रहेंगे और बुक्स लेने की कोशिश करेंगे सभी. जितनी जल्दी आप बुक्स लेंगे उतना जल्दी आपका आपको समझ में आने लगेगा. ओके यस मैम. तो बेटा जो भी आपने रीडिंग किया आज, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. नो मैम. सारी नो मैम. सारे सेंटेंसेस सब क्लियर हो गए अच्छे से. यस मैम. यस मैम. ब्रिजेश यू हैव एनी प्रॉब्लम. नो मैम. कोई प्रॉब्लम नहीं है अब. चलिए ठीक है.
तो बेटा आज के लिए बस इतना ही राइटिंग वर्क करते रहेंगे, अगले सेशन में फिर मिलते हैं। मैम एक्सक्यूज मी। यस बेटा। मैम राइटिंग मैं 5 डेट तक की हूँ, मैम आज के डेट से शुरू कर लें या फिर 6 से राइट करें? नहीं बेटा टुडे से, आज से स्टार्ट कीजिए। ओके मैम, मैम आज से राइटिंग शुरू करना है? यस बेटा। ओके तो गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। गुड बाय बेटा।